देखना है, इकोलॉजी देखना है। तीन सिस्टम हमें देखना है जो हमारी क्लास होगी, एक इकोसिस्टम या इकोलॉजी, एक अपन को देखना है इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। फिर इसके बाद देखना है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। तीसरा आएगा पॉल्यूशन, प्रदूषण। ठीक है, तो हमें यूनिट 7 में एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में तीन टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं ना, एक इकोसिस्टम पढ़ना है, फिर बायोडायवर्सिटी पढ़नी है और फिर पॉल्यूशन पढ़ना है। ये तीन पढ़ना है, इसी को मिला के पूरा एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अब एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? तो एनवायरनमेंट का मतलब है जो हमारे आसपास है वो एनवायरनमेंट कहते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। इकोसिस्टम का मतलब है कि हमारा और हमारे एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन होते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र। पर्यावरण का मतलब है जो भी हमारे चारों तरफ है वो हमारा पर्यावरण। जैसे हमारे चारों तरफ गैस है तो जो एटमोस्फियर है, वायुमंडल, वो हमारे पर्यावरण में आता है। हमारे चारों तरफ नदी तालाब पानी है तो जो हाइड्रोस्फियर है, जलमंडल, वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो पर्यावरण का मतलब क्या है? जो भी हमारे चारों ओर है। और इकोसिस्टम का मतलब है हमारा और हमारे पर्यावरण, हमारे और हमारे एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो दोनों में मतलब समझ में आया, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है और इकोसिस्टम का मतलब, है ना। चलो चलो अभी एक करके देखते हैं। अब इकोसिस्टम, इको का मतलब होता है घर। इको जो वर्ड बना है वो ओइकोस से बना, ओइकोस का मतलब होता है घर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो आप जहाँ रहते हैं, आप जंगल में रह सकते हो, आप रेगिस्तान में रह सकते हो, आप तालाब, मतलब अलग अलग जीव होते हैं, जो जलीय जीव है वो पानी में रहते होंगे, कोई हवा में रहता होगा, तो सबके अपने अलग अलग घर है। इन घरों की स्टडी को ही कहते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया। ये वर्ड दिया था हीकल ने, आपसे पूछा जाएगा इको इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? हीकल ने। इकोसिस्टम वर्ड दिया था टेंसले ने, इकोसिस्टम वर्ड दिया था टेंसले। तो ये शब्द पूछ सकते हैं कि भैया इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? टेंसले। और इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान, ये शब्द किसने दिया? हीकल। तो इकोलॉजी का या इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी विज्ञान, मतलब स्टडी। किसकी स्टडी करना है? घर की। घर मतलब जो इंसान जहां रहता होगा उसकी। अब इसको अगर हम पढ़ें, अब घर का हो सकता है, घर को क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं, और एक है निक, दो वर्ड है, एक हैबिटेट आता है और एक निक वर्ड आता है, दो का मतलब समझो। जैसे जंगल है तो शेर का हैबिटेट होता है जंगल, खरगोश भी कहाँ रहता है? जंगल में। बंदर भी कहाँ रहता है? जंगल में। हिरण भी कहाँ रहती है? जंगल में। भालू भी कहाँ रहता है? जंगल में। तो एक बहुत बड़ा हैबिटेट होता है। अब उस जंगल के अंदर शेर जहां रहता होगा वहां हिरण नहीं रहती होगी। जंगल में शेर के, लॉयन के रहने और डियर के रहने की जगह अलग अलग होगी कि नहीं? तो जो जगह, मतलब शेर को क्या चाहिए? शिकार चाहिए और पानी चाहिए। तो शेर वहां रहेगा जिससे वो निकले गुफा से, तो थोड़ी दूर जाके कुछ हिरण विरण मिल जाए और पास में कोई नदी वदी मिल जाए। हिरण कहाँ रहना चाहेगी? जहाँ घास फूस मिल जाए, कि हिरण तो वेजिटेरियन है, हर्बीवोर से। तो हिरण कहाँ रहने चाहेगी? जहाँ घास फूस होगी और नदी का पानी मिल जाए। मेढक कहाँ रहना चाहेगा? जहाँ दलदल भी हो, पानी भी हो, जमीन भी हो, क्योंकि वो एम्फीबियन है, उभयचर। इसका मतलब है इतने बड़े जंगल में, इतना बड़े हैबिटेट में सबको थोड़ी थोड़ी जगह चाहिए होती है अपनी लाइफ पूरी करने के लिए। तो उस छोटी छोटी जगह को कहते हैं निक, हिंदी में निकेत। तो हैबिटेट है पूरा जंगल, उस जंगल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबने बांट रखा, थोड़ा सा हिस्से में शेर रहता, थोड़े में हिरन रहते, थोड़े मेढक, थोड़े में खरगोश। खरगोश कहाँ रहेगा? झाड़ियों में, ऐसे वो पेड़ में तो चढ़ नहीं पाएगा। बंदर कहाँ रहेंगे? पेड़ में। तो बंदर घास के मैदान में ही रहेंगे, बंदर कहाँ रहेंगे? पेड़ में। तो है तो सब जंगल में ना, झाड़ियाँ जंगल में आती हैं, पेड़ जंगल में आते हैं, गुफा, तालाब सब आती है। तो हैबिटेट मतलब वो फॉरेस्ट है, और हैबिटेट का जो छोटे छोटे पार्ट है जहाँ हर एक जीव अपनी फिजियोलॉजिकल, अपनी जैविक क्रियाएँ कर सकता है, उसे कहते हैं निक या निकेत। तो निक और हैबिटेट में अंतर समझ में आ गया? तो जंगल हैबिटेट हो सकता है, निक नहीं हो सकता। निक सबके अलग है, है ना। जैसे मान लो ये मान लो एक झाड़ी है,
और यहीं आसपास एक नदी है, तो इतना सा निक हो गया रैबिट का। ये मान लो एक पेड़ है, ये बहुत सारे पेड़ मान लो होती, ये निक हो गया मंकीज का। ठीक है, कोई गुफा वुफा बनी है और यहाँ नदी वदी निकली है, तो यहाँ हो गया शेर का, और ये पूरा एक हैबिटेट होगा। तो हमने क्या बोला, इकोलॉजी या पारिस्थितिक विज्ञान का मतलब है घर का अध्ययन, हैबिटेट की आपके स्टडी ऑफ होम। अब हैबिटेट और निक दोनों चीज समझ में आ गया, आवास और निक में अंतर होता है। जंगल सबका हैबिटेट हो सकता है, निक नहीं हो सकता, सबके निक अलग है। हर एक प्रजाति का, हर एक स्पीसीज का निक दूसरे स्पीसीज से अलग होता है। शेर का निक हिरन से अलग होगा, आप शेर के रहने की जगह देख लो और हिरन की, हैबिटेट सबका एक है जंगल, समझ में आ गया। तो हैबिटेट और निक में बड़ा कौन होता है, हैबिटेट। एक हैबिटेट में कई सारे निक हो सकते हैं, इन्हीं की स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें क्या देखना है, अब हम पढ़ते हैं करके। तो सबसे पहले होता है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, किसी एक मेंबर को क्या बोलते हो, इंडिविजुअल, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत या जीव। अब ऐसे कई सारे जब इंडिविजुअल एक जगह पर किसी एक टाइम पर तुम गिन लो, जैसे आज डेट कितनी है, 21 मार्च है ना, 21 मार्च 2022 को ग्वालियर में कितने लोग हैं गिन लो, तो टाइम चाहिए और जगह चाहिए, और ऐसे कई सारे इंडिविजुअल गिन लो, ऐसे कई सारे इंडिविजुअल जब गिनोगे तो वो हो जाती है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन में तीन चीज चाहिए, क्या चाहिए, कोई एक स्पीसीज चाहिए, ये सब एक ही स्पीसीज है ना, सब इंसान है, होमो सेपियंस सेपियंस है, तो स्पीसीज चाहिए, एक टाइम चाहिए और एक प्लेस चाहिए। अगर आपसे पूछे जनसंख्या पॉपुलेशन, तो आप पूछोगे किसकी, इंसान की, गाय की, कुत्ते की, बर्ड्स की, किसकी, तो सबसे पहले स्पीसीज, फिर कहाँ की, ग्वालियर की पॉपुलेशन, एमपी की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की, कोई जगह बताओगे। फिर पूछोगे कब की, 2011 की पॉपुलेशन, 2021 की, अपन बोलते हैं ना 2011 का सेंसस, 2001 का सेंसस, 1991 का सेंसस, मतलब पॉपुलेशन के लिए तीन वर्ड चाहिए, स्पीसीज, टाइम और प्लेस। जब तीन चीजें मिल जाएंगी तो वो बन जाएगी जनसंख्या, अगर तीन में से कुछ भी एक मिसिंग होगा तो वो पॉपुलेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तुम इकोसिस्टम में इंडिविजुअल को देखोगे, पर ऐसे कई सारे इंडिविजुअल मिला दोगे, किसी एक जगह के इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के इंडिविजुअल, है ना, तो उसको मिला के तुम क्या बोल दोगे, पॉपुलेशन या जनसंख्या। तो पॉपुलेशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर स्पीसीज के जितने मेंबर्स हैं। तो कितनी चीजें आ गई पॉपुलेशन में, तीन, कौन कौन, स्पीसीज, टाइम, प्लेस, तीन चीजें। तो जब भी जनसंख्या की परिभाषा लिखो, डिफाइन करो, अगर ये तीन में से कुछ भी मिस कर दिया तो गलत हो जाएगा। चलो अब देखो, अब किसी एक जगह पर के एक स्पीसीज तो रहती नहीं है, हो सकता है यहाँ इंसान भी रहते हो सकता है दूसरे जानवर भी रहते हो, तो इन सब को अगर बहुत सारी स्पीसीज मिला लो, जैसे ग्वालियर मान लो, कि ग्वालियर में गाय नहीं है, गाय है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चूहे हैं, इंसान भी है, तो ऐसी कई सारी स्पीसीज हैं, कई सारी स्पीसीज जो एक जगह पर रहती है उसको बोलते हैं कम्युनिटी, समुदाय, हिंदी में इसको कहते हैं समुदाय और इसको कहते हैं जनसंख्या। तो पॉपुलेशन वर्ड समझ में आ गया, कम्युनिटी का मतलब है किसी एक जगह पर जितनी स्पीसीज रहती है उनको कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है, जबकि पॉपुलेशन का मतलब है एक जगह पर एक स्पीसीज। तो एक जगह की जब केवल एक स्पीसीज देखोगे तो वो पॉपुलेशन है, और एक जगह की जितनी भी स्पीसीज है सबको देख लोगे तो वो क्या हो जाएगी, कम्युनिटी हो जाएगी। अब इकोसिस्टम, इस कम्युनिटी के आसपास, इस कम्युनिटी के आसपास क्या होगा, मिट्टी होगी, बारिश होती होगी, या है ना, इसके अलावा या धूप सनलाइट आती होगी, टेम्परेचर होगा। तो इस कम्युनिटी का आसपास जो इंटरेक्शन है उसी इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, तो इस समुदाय का अपने आसपास के वातावरण से जो अंतर संबंध है उसको कहते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एक किसी स्पीसीज का एक मेंबर। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर स्पीसीज के जितने मेंबर है वो पॉपुलेशन है। कम्युनिटी का मतलब क्या है, एक जगह पर पर्टिकुलर स्पेस पर जितनी भी स्पीसीज है उनको आपस में क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या है, कम्युनिटी का सराउंडिंग से जो भी, हाँ,
जो भी इंटरेक्शन होगा इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? अब हाँ पूछो, अपने सराउंडिंग, जैसे अपने यहाँ बारिश है ना, अपन को चाहिए इरीगेशन के लिए, पानी के लिए, तो इंटरेक्शन हो रहा ना अपन उससे, एयर है, अपन सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो वही अपना इंटरेक्शन है। अब सबसे बड़ी जो यूनिट है वो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है जहाँ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर, जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल मिलते हैं, वहीं पर लाइफ पॉसिबल है। तो ये मान लो एटमोस्फीयर है, और ये मान लो लिथोस्फीयर स्थलमंडल है, और ये मान लो जलमंडल, ये मान लो वायुमंडल मतलब एटमोस्फीयर, ये मान लो हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, और ये मान लो स्थलमंडल। जहाँ पर तीनों मिलेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पर मिल रहे, ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने कहा ये जो ऐसा घेरा है, गोल है, ये मान लो डॉक्टर्स का है, जो ट्रायंगल है वो मान लो इंजीनियर्स का है, ऐसा देखा है रीजनिंग में, तो बताओ कितने लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब तीनों हैं, एडवोकेट है, ऐसे बना देते हैं कि नहीं? तो ये सब आता है। तो मुझे लगता है ये तीनों ओवरलेप कर रहे हैं। अब जो ओवरलेपिंग हिस्सा, जहां पर तीनों का अतिव्यापन हो रहा है, वहीं पर लाइफ पॉसिबल है, और उतने हिस्से को कहते हैं बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो जैव मंडल का मतलब वो ओवरलैप्ड एरिया, वह अति व्यापक क्षेत्र जहां जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों मिलते हैं। ठीक है, जैसे मछली रहती है, चलो फिश को मान लो, पानी है, नीचे बॉटम भी होता है, जमीन भी होती है, और वो एयर में जो घुली रहती है उसको वो यूज कर लेती है, इसका मतलब लाइफ वही। हम देख लो, पानी भी चाहिए पीने के लिए, जमीन रहने के लिए चाहिए, और सांस लेने के लिए यार, इसको मतलब हम वहां पर रहते हैं जहां तीनों मिल रहे। डेजर्ट में भी है, किसमें? अरे वहां पर भी तो पानी नीचे जाएगी, पर तो जाएगी है ना, पानी अपने वो स्टेम में रख लेते हैं है ना, कैक्टस वगैरह। चलो, तो सबसे बड़ी यूनिट, तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है इकोसिस्टम की? इंडिविजुअल। सबसे छोटी यूनिट होती है इंडिविजुअल, और सबसे बड़ी यूनिट होती है बायोस्फीयर, मतलब वो पूरा एरिया जहाँ तीनों मिल जाते हैं। अब बायोस्फीयर में कई बायोस्फीयर कई कई टाइप का दिखेगा, उन्हें कहते हैं बायोम। बायोस्फीयर आपको अलग अलग टाइप का दिखेगा, जैसे आप डेजर्ट जाओगे तो एक अलग बायोम है, आप फॉरेस्ट में जाओगे तो एक अलग बायोम है। तो बायोम का मतलब है बायोस्फीयर का वो हिस्सा जो अपने कुछ स्पेसिफिक करेक्टर लिए है, जिससे तुम दूसरे बायोम से अलग कर सकते हो। जैसे तुम जंगल को रेगिस्तान से अलग कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? जंगल को तुम पोल से भी अलग कर सकते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां हर तरह बर्फ ही बर्फ हो, आगे समझ में कि नहीं? इसका मतलब जो पोल्स है, आइस वाला, ग्लेशियर वाला एरिया, वो एक अलग बायोम है, रेगिस्तान एक अलग बायोम है, जंगल एक अलग बायोम है, समझ में आ गया? तो बायोम बायोस्फीयर का वो टुकड़ा है जो दूसरे बायोम से अलग होता है। बायोम है बायोस्फीयर ही, यहां भी तो लोग रहते हैं ना, फॉरेस्ट में भी, यहां भी जल थल वायु सब मिल ही रहे। बायोस्फीयर बायोम का अलग है, बस इसको अलग है, इसलिए इसका नाम भी अलग रख सकते हैं, सवाना बायोम, टुंड्रा बायोम, नाम सुना होगा ना। तो ये होती है पूरे इकोसिस्टम की यूनिट्स। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट ये होती है, सबसे बड़ी यूनिट ये होती है। इनमें से बताओ कौन सी चीज समझ में नहीं आई? बायोम का मतलब होता है कि जहां जहां लाइफ पॉसिबल है, तो धरती में सब जगह पर लाइफ पॉसिबल है। अब इस धरती में रेगिस्तान भी है, इस धरती पे जंगल भी है, और इस धरती पे ग्लेशियर्स भी है। तो जैसे आपको मैं रेगिस्तान बोलूंगा, डेजर्ट बोलूंगा, तो आपके मन में आ जाएगा वहां कैक्टस रहता होगा, एक दो लिजार्ड रहती होंगी, रेप्टाइल्स रहते होंगे, और एक दो ट्राइब मुश्किल से अगर रहती होगी, कोई ट्रीज नहीं मिलेंगे। फिर आपसे मैं ग्लेशियर बोलूं, तो ग्लेशियर में पोलर बियर मिल सकती है, पेंगुइन मिल सकती है। तो आप जैसे बोलते हो तो आप समझ जाते हो कि यहाँ क्या मिल सकता है, कौन से जानवर रहते होंगे, जंगल है तो यहाँ क्या रहता होगा। तो बायोम का मतलब है बायोस्फीयर, पर वो अपने स्पेसिफिक करेक्टर है, उसके पास कुछ विशिष्ट लक्षण है जिससे वो पहचाना जा सकता है दूसरों से अलग। आप जंगल को पहचान, आप कहीं जाए गए, आप माना कि कहीं जंगल में फंस गए, और कोई आपसे फोन करके पूछे कि कहाँ फंस गए, तो बता सकते हो कि मैं किसी जंगल में फंस गया, समझ में? कुछ में कुछ ऐसे लक्षण है कि आपने उसका नाम दे दिया कि ये फॉरेस्ट बायोम है। ठीक है, अब रेगिस्तान में गए तो वहां भी आप खो सकते हो, ऐसा नहीं है रेगिस्तान में नहीं खोगे, डेजर्ट भी तो होते कई कई हजार किलोमीटर, पता ही नहीं कहाँ। फिल्मों में दिखाया होगा ना, कौन सी मूवी, उसमें वो विलेन को रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ जाता है, सामी, सामी, टू। सामी? सामी, सेकंड पार्ट। सामी कौन है, है? ऐसी है जो भी है। चलो समझ में आ गया भाई, इनमें से कोई बताओ कोई स्टेप समझ में नहीं आया? देखो इकोलॉजी वाला ये पूरा समझने वाला है, इनमें से बताओ कोई चीज जो समझ में नहीं आई। अब एक एक करके सबको समझते हैं ना। चलो अब इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल का मतलब है किसी स्पीसीज का एक मेंबर। तो स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज वो जो आपस में जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से समान है। स्पीसीज का मतलब है
कि वो दो मेंबर जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जैसे मैं और बाकी यहाँ कितने लोग भी बैठे, उनका डीएनए बिल्कुल एक जैसा होगा, मतलब 99.9% डीएनए सबका मिलता है, सबका आपस में, ठीक है, तो हम सबका मिलता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो और आपस में क्या कर सकते हो, रिप्रोडक्शन कर सकते हो, प्रजनन कर सकते हो, और इनकी जो प्रोजेनी हो, इनकी जो पीढ़ी हो अगली, वो भी आपस में क्या कर सके, रिप्रोडक्शन, है ना, या आगे रिप्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे मेंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब है जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, आनुवांशिक रूप से समान हो, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हो, और इनकी प्रोजेनी मतलब इनकी जो संतति है, इनकी जो संतान है, वो भी आगे रिप्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे मेंबर को क्या बोलते हैं, स्पीसीज। और इसी के एक मेंबर को क्या बोल रहे थे, इंडिविजुअल। और एक जगह पर स्पीसीज के जितने मेंबर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन किसी एक स्पीसीज की होती है ना। अब देखो, अब एक होता है की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज का मतलब है कि ये थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और इस फ्रूट्स को खाके वहां के कुछ जानवर जिंदा रहते हैं और उन जानवर को खाके कार्निवोर्स मांसाहारी भी जिंदा रहते हैं। जैसे कोई पेड़ है, मान लो एक जंगल है, और जैसे ही पतझड़ आता है, ठीक है, डेसिडुअस वाला सीजन आता है और पूरे पेड़ झड़ जाते हैं, उस टाइम पर अगर पूरे पेड़ों की पत्तियां चली जाएं लीव्स की, तो जो फ्रूजीवोरस है वो कैसे जिंदा रहेंगे। अगर ये सोचे एक जंगल है और वहां पतझड़ आ गया और पूरे पेड़ों की पत्तियां चली गई, और जब पत्ती नहीं होगी, फूल नहीं होंगे, तो फल कैसे बनेंगे, फ्रूट्स कैसे बनेंगे। तो इसका मतलब किसी ना किसी पेड़ का उस टाइम पर फल देना बहुत जरूरी रहता है। तो ऐसे एक पेड़ होता है फिग, अंजीर, खाया होगा। ये गर्मियों में जब पतझड़ आता तब इसमें पतझड़ नहीं आता फिग में, और इसको खा के बंदर जिंदा रहता है, बंदर को दूसरे खाते होंगे, उससे क्या पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। तो की स्टोन स्पीसीज का मतलब है जो पूरे इकोसिस्टम की है, पूरा इकोसिस्टम उस पर डिपेंड है, तो उसको बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन समझ में आ गया, जो पूरे इकोसिस्टम की है, चाबी, क्योंकि ये ऐसे फ्रूट्स ऐसे टाइम पर प्रोड्यूस, ऐसे टाइम पर आपको खाना दे सकता है जब पूरे इकोसिस्टम में खाना नहीं है, उसके सारे आप इकोसिस्टम कुछ दिन के लिए चला सकते हो, फिर धीरे धीरे सब पत्ती आने लगी बसंत के उस पर, फिर हो जाएगा। तो की स्टोन समझ में आ गया, जिस पर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड रहता है, हाँ, कोई स्पेसिफिक उसी स्पीसीज को जिस पर वो इकोसिस्टम है। जैसे आप चले गए किसी, माना कि वहाँ चले गए किसी डेजर्ट पे ही चले गए, उस डेजर्ट पे जो पूरा इकोसिस्टम जिस स्पीसीज पे टिका होगा है, इकोसिस्टम बोले, अदर स्पीसीज नहीं बोले, पूरा इकोसिस्टम ही उस पे टिका है। फिग। अगला है डोमिनेंट स्पीसीज, जिसकी सबसे ज्यादा नंबर हो, सबसे ज्यादा नंबर हो। जैसे आप जंगल में गए, अब वो जंगल में पेड़ सब थे, लेकिन आपको लगता है बेम्बू बांस बहुत है, तो बेम्बू वहां का डोमिनेंट स्पीसीज होगा और उसका नाम हो जाएगा उसी डोमिनेंट पे, तो उस जंगल का नाम रखोगे बांस के वन, बेम्बू फॉरेस्ट। समझ में आ गया। तो डोमिनेंट या प्रभावी प्रजाति, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी, प्रभावी प्रजाति का मतलब वो स्पीसीज जिसका नंबर सबसे ज्यादा, और किसी भी कम्युनिटी का नाम, कम्युनिटी का मतलब क्या है, एक स्थान में रहने वाली कई सारी स्पीसीज, और किसी कम्युनिटी में जो स्पीसीज सबसे ज्यादा होगी उसका नाम उसी पे। तो किसी कम्युनिटी में या किसी इकोसिस्टम का नाम किस नाम पर रखा जाएगा, डोमिनेंट, प्रभावी। तो प्रभावी समझ में आ गया, इसका समझ में आ गया, पूरे इकोसिस्टम को बचाए रखने में मदद करती है। अगला है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है स्थानिक, जो किसी एक खास स्थान में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। जैसे कंगारू, कंगारू का नाम सुना, ऑस्ट्रेलिया में मिलता और कहीं नहीं मिलता, इसका मतलब कंगारू कैसी स्पीसीज होगी, एंडेमिक, जो पूरी दुनिया में फैला हो, पेंडेमिक, ठीक है। तो एंडेमिक है जो लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर स्पेस, है ना, वही रहता बस, एंडेमिक समझ में आ गया, कंगारू। अगला है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का मतलब है जो दूसरे को सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कराती है, जैसे कोरल, प्रवाल भित्ति का नाम सुना होगा, कोरल रीप है ना, दूसरों को प्रोवाइड सपोर्ट वगैरह रहने के लिए घर बार देती है, ऐसे सबको बोलते हैं क्रिटिकल लिंक। तो ऐसी स्पीसीज जो दूसरे को कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, उसे क्या बोलती है, क्रिटिकल लिंक। फाउंडेशन स्पीसीज, फाउंडेशन स्पीसीज का मतलब ऐसी स्पीसीज जिस पे पूरा फाउंडेशन बना है, मतलब पहले वो स्पीसीज आई है पर उस पे डिपेंड हो के पूरी स्पीसीज बनी है। तो किसी इकोसिस्टम की वो स्पीसीज जो सबसे पहले आई और उस पर डिपेंड होके सब दूसरे आए, उसे क्या बोलते हैं, फाउंडेशन।
कीस्टोन का मतलब क्या है, जिस पर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड है। डोमिनेंट का मतलब सबसे ज्यादा नंबर है। एंडेमिक किसी एक खास जगह पे मिलती है। क्रिटिकल लिंग मतलब जो दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब नींव, फाउंडेशन का मतलब नींव। तो किसी इकोसिस्टम है, इसमें कोरल रीफ आएगी। जैसे क्या होता है, सबसे पहले कोरल रीफ बिछती है, ठीक है, उस पर फिर लोग भी रहना शुरू कर देते। कई ऐसे आइलैंड्स है जिसमें इंसान रह रहे, सब रह रहे, है ना। जैसे उसको बोलते एटोल आइलैंड, लक्षद्वीप का नाम सुना होगा, पूरा कोरल रीफ पे बना। तो लक्षद्वीप पूरा का पूरा कोरल पे ही बसा है। तो उस आइलैंड की फाउंडेशन स्पीसीज क्या होगी, कोरल। फाउंडेशन मतलब नींव, समझ में आ गया। अब देखो, अब ये मान लो एक कम्युनिटी है, एक ये कम्युनिटी। अगर ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों कम्युनिटी में मिलते हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज मिलेंगी जो आपको दोनों कम्युनिटी में मिलेंगी। जैसे ये मान लो ग्रासलैंड कम्युनिटी है, ये घास वाला जगह, और ये मान लो जंगल वाला। तो कुछ स्पीसीज जरूर ऐसी होंगी जो घास में भी रहती होंगी और जंगल में भी रहती होंगी। और कभी भी ध्यान रखना, जंगल एकदम से ख़त्म नहीं होता, धीरे धीरे डेंसिटी कम होगी। जैसे आप यहाँ शहर से अपने गाँव जाओ, तो ऐसा थोड़ी होता है कि इस लाइन से शहर ख़त्म नहीं होगा। आपको शहर से धीरे धीरे कस्बा टाइप का मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, और फिर कस्बे से धीरे धीरे गांव मिलेंगे। इसका मतलब है कहीं भी शहर एकदम से ख़त्म नहीं होता। आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहां ऐसा लगेगा आप थोड़ा कस्बा टाइप का आने लगा, पर उसको गांव नहीं बोलोगे। पर धीरे धीरे आपको लगेगा एक ऐसी जगह आ गई जहाँ कस्बा और गाँव दोनों टाइप का मिलेगा। आगे समझ में। तो ऐसी कभी भी जंगल एकदम से ख़त्म नहीं होता। जैसे आप किसी जंगल से निकल गया हो तो धीरे धीरे जंगल आपको क्या मिलेगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, धीरे धीरे घास वास शुरू होगी, और धीरे धीरे फिर पूरी घास मिलने लगेगी। आगे समझ में। तो एक एरिया ऐसा मिलेगा जहां पेड़ और घास दोनों मिलेंगे, समझ में आगे। तो पता चला यहां पर पूरा जंगल है और यहां पर घास और जंगल दोनों है, और यहां पूरा घास है, ठीक है। तो इस वाले एरिया को कहते हैं इकोटोन। इसको क्या बोलते हैं, इकोटोन। और यहां पर जो स्पीसीज मिलती है उन्हें कहते हैं एज बोलेंगे, EDGE, एज हिंदी में बोलते हैं कोर प्रजाति। तो इस स्पीसीज का मतलब है, समझ में आ गया, जो इकोटोन में रहती है ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं एज स्पीसीज, कोर प्रजाति। ये केवल और केवल ऐसी जगह पर मिलती है जो इकोटोन है। इकोटोन का मतलब दो कम्युनिटी के बीच का ट्रांजिशनल जोन, संक्रमण क्षेत्र। जैसे दलदल है, जैसे स्वाम्प एरियाज है, मार्सी लैंड है। दलदल को ना तुम पानी बोल सकते हो ना जमीन बोल सकते हो। दलदल अगर देखा हो, बारिश में थोड़ा सा आ जाता है उसको तालाब सा बन जाता है, और गर्मी आती है वो बिल्कुल सूख जाता है, बच्चे भैंस तक खेल लेते हैं। देखा होगा ना गांव के तालाब वाला में। इसका मतलब वो कैसा एरिया होगा, इकोटोन। तो तालाब भी किस में आ गया, इकोटोन। और जो दलदल में रहता होगा उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे, एज स्पीसीज। तो डोमिनेंट स्पीसीज, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज, फाउंडेशन स्पीसीज और एज स्पीसीज। हाँ स्पीसीज। चलो, इस जैसे सुंदरवन का नाम सुना है, सुंदरवन में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, मैनग्रोव। इसका मतलब वहां की डोमिनेंट स्पीसीज होगी मैनग्रोव, समझ में। इसके बाद इंडिकेटर स्पीसीज, जो किसी ना किसी चीज की इंडिकेशन कर दे, सूचना दे दे, उसे कहते हैं सूचक प्रजाति। ऐसी स्पीसीज जो किसी ना किसी तरह की आपको इंफॉर्मेशन दे, इंडिकेशन करे, इंडिकेट करे आपको, वो स्पीसीज क्या कहलाएगी, इंडिकेटर। जैसे दो स्पीसीज का नाम लेते हैं, देखो, जैसे स्टोन फ्लाई है। स्टोन फ्लाई वहीं रहती है जहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, और अगर वहाँ स्टोन फ्लाई गायब होगी धीरे धीरे, तो आप क्या बोलोगे, उस पानी की ऑक्सीजन खत्म हो रही। ऐसे एक लाइकेन है, लाइकेन वहां रहती है जहां एयर पोल्यूशन नहीं होता, और अगर लाइकेन धीरे 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 गायब होने लगी तो आप क्या बोलोगे, यहां क्या है, एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो कुछ स्पीसीज आपको सारा कर रही है ना, जैसे एकदम से स्टोन फ्लाई गायब हो गई, एकदम से लाइकेन गायब हो गई। तो अगर लाइकेन गायब हो गई मतलब वहां एयर पोल्यूशन होने लगा। तो ऐसी स्पीसीज जो आपको इशारा दे दे, जैसे आपने कहीं ऐसा देखा हो ना कि एलगी बहुत ज्यादा फैल जाती है, किसी तालाब वालाब में देखा होगा जहाँ घाट वाट में लोग कपड़े अपड़े धोते होंगे, तो वो डिटर्जेंट जाता होगा, पॉल्यूशन जाता होगा, तो वहाँ एलगी वगैरह जमा होने लगते हैं। तो जब कहीं एलगी काई जमा होने लगती है तो तुम समझ जाओ, ये तुम्हें इशारा दे रही है कि यहाँ पॉल्यूशन बहुत हो रहा। तो ऐसी स्पीसीज जो आपको इंडिकेट करे,
जो आपको सूचना दे, इसे कहते हैं सूचक प्रजाति। तो स्पीसीज का मतलब समझ में आ गया, ऐसे मेंबर्स का ग्रुप जो आइडेंटिकली मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, अनुवांशिक रूप से पूरे जीन समान हो, आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, उनकी प्रोजेनी भी, उनकी संतान भी रिप्रोडक्शन कर सके, उसे कहते हैं स्पीसीज। ये डोमिनेंट भी हो सकती है, ये कीस्टोन भी हो सकती है, फाउंडेशन भी हो सकती है, एज स्पीसीज भी हो सकती है, इंडिकेटर स्पीसीज भी हो सकती है। तो स्पीसीज समझ में आ गया होगा, टाइप समझ में आ गए होंगे। चलो अब पॉपुलेशन को देखते हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या था? पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर स्पीस के मेंबर्स की संख्या को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? एरिया में, हाँ हाँ, अच्छा वर्ग किलोमीटर। अच्छा अगर मैं तालाब की पॉपुलेशन डेंसिटी लूं तो, तालाब की डेंसिटी लूं तो देखो जमीन में हमेशा एरिया लेते हैं, लेकिन पानी में वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि तालाब में ऐसे भी रह सकते हैं, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और डेप्थ में भी, इसलिए उसमें किलोमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लेते हैं। तो जब जमीन में लेते हैं तो एरिया लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई स्क्वायर लग गया। पर जब भी पानी में डेंसिटी लेंगे तो लंबाई चौड़ाई और गहराई, तो क्या लग जाएगा? क्यूब। तो आप जब भी पौंड में तालाब में मछलियों का घनत्व तो देखोगे, भैया मछलियों की पॉपुलेशन डेंसिटी तो क्यूब में आएगा। और जब तुम जमीन में गए, जमीन में आदमी गहराई में नहीं रहता, यानी कि पापा का रखो खोद के निकाल रहे हैं है ना, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आ गया, अगर टेरेस्ट्रियल चीज होगी तो स्क्वायर में लेते हैं, एरिया लेते हैं, और अगर एक्वस कोई इको सिस्टम होगा तो उसको अपन वॉल्यूम में लेते हैं। तो डेंसिटी समझ में आ गया, पॉपुलेशन समझ में आ गया। अब पिरामिड देखते हैं। पॉपुलेशन का पिरामिड होता है, पॉपुलेशन के तीन पिरामिड होते हैं। इन पिरामिड को तुम देख के बता सकते हो कि पॉपुलेशन कैसी है। अगर तुम्हें मिला ऐसा त्रिभुज, ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज मिलने का मतलब है कि यहां एरिया कम है और यहां एरिया ज्यादा है। इसका मतलब बच्चे बहुत ज्यादा और बुजुर्ग बहुत कम। बुजुर्ग वही बहुत कम हो सकता है जहां हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, उम्र ज्यादा है नहीं, एवरेज लाइफ, आदमी 50-55 का बोलते आते आते टाइम बोल जाता है ना। तो ऐसा डेवलप्ड होगा, डेवलपिंग होगा, अंडर डेवलप्ड होगा, मतलब अनडेवलप्ड होगा, अविकसित देश होगा। और यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ने लगी होगी, क्योंकि जहां लोग ज्यादा मर रहे होंगे वहां बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हो। इसके बाद जैसी स्टेबल टाइप की होने लगती है, तो यहां देखो जितने बच्चे हैं उतने यूथ है, उतने बुजुर्ग हैं, तो ये पॉपुलेशन क्या होगी? स्टेबल है ना, स्थिर हो गई। बच्चे ये देखो ना सबकी, यहां देखो ये इतनी थी, ये इतनी है, ये इतनी है। पर जो बेल शेप है, घंटी के आकार की है, उसमें देखो ठीक है, तो ये स्टेबल है, ये यूरोप का होगा, ये विकसित देश होगा, डेवलप्ड होगा। तो जब पॉपुलेशन में तुम ट्रेंगल देखते हो तो ये भारत होगा, डेवलपिंग टाइप का होगा। और जब तुम बेल शेप देखो, घंटी के आकार का पिरामिड देखोगे तो कैसा होगा? विकसित होगा, डेवलप होगा। ये क्लब शेप है, गदा के आकार का है, गदा देखिए ऊपर ऐसे चौड़ी होगी और नीचे ऐसे नैरो होगी। तो उसका मतलब क्या? बुजुर्ग बहुत है और बच्चे, जय श्री राम है ना, जापान वगैरह जहां माइनस में जा रहे, अब बच्चे पैदा ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि महिलाएं हो गई कैरियर ओरिएंटेड, एमबीसीएस है ना, वो कौन सी आई थी कॉफी या चाय बनाती है वो, इंडिया मिस इंडिया, मिस इंडिया देखिए मूवी, मिस इंडिया रहती है वो कीर्ति सुरेश की। तो ये है, कुछ यूरोप में भी है, जैसे जर्मनी में है, रसिया में है ना, इसके बाद जापान में है, वहाँ नेगेटिव पहुँच गई है, वहाँ बच्चे नहीं हैं और हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह अच्छी हैं, तो बुजुर्ग बहुत मिलते हैं। तो आप किसी भी पॉपुलेशन के पिरामिड को देख के बता सकते हो वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा। समझ में आ गया? पिरामिड समझ में आ गया? क्लब, हाँ गधा, अरे क्लब कोई भी चीज़ होती है जिसका ऊपरी हिस्सा फूला हुआ हो, है ना, जैसे मशरूम वगैरह देखा है, मशरूम पर फूला हुआ होता है, नीचे ऐसे उसका डेट। चलो तो पिरामिड समझ में आ गया पॉपुलेशन का। अब देखो पॉपुलेशन का ग्राफ क्या होता है। पॉपुलेशन का जब ग्राफ देखोगे तो पहले आती है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब या भी टाइम के साथ ये बढ़ नहीं रही, स्ट्रेट है। इसका मतलब है जितनी बर्थ रेट है उतनी ही, तो जितने पैदा हो रहे उतने मर जा रहे लोग,
इसलिए ये बिल्कुल सीधी होगी, अभी ऊपर नहीं जा रही। इसके बाद हेल्थ फैसिलिटी जैसी आएगी और बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा हो जाएगी तो एकदम से ऊपर जाने लगेगी। इसे बोलते हैं जे शेप ग्राफ, जे आकृति का ग्राफ, और जे बनना का मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जे कैसे बना होगा, पहले से सीधा बना होगा फिर ऊपर चला गया होगा। और अगर आपको जे मिल गया मतलब ये डेवलपिंग कंट्री है, अभी यहां पर बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं। बच्चे पैदा क्यों हो रहे होंगे कि अभी लिटरेसी नहीं होगी, अभी लाइफ स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा हुआ। देखो जिनका जीवन स्तर बढ़ जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाते क्योंकि वो सबको महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। जिनको सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाना वो 5 भी करा सकते हैं 10 भी कर सकते हैं। जिनको लेकिन महंगे स्कूल्स, महंगी कोचिंग, महंगे हॉस्पिटल्स में इलाज कराना वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनके 5 बच्चे, अब सबको 5-5 लाख रुपए की फीस कैसे पढ़वा साल भर। तो जैसे ही आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो यूरोप और इंडिया और अफ्रीका, इनमें सबसे बुरा होगा अफ्रीका का लिविंग स्टैंडर्ड, फिर होगा इंडिया का, मतलब इंडिया अफ्रीका वाली स्टेज से बाहर आ चुका है और अब वो यूरोप वाली स्टेज में जा रहा। अब जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड होगा, इसलिए अगर तुम ये भी ना बोलो लोगों को पॉपुलेशन कम करो कम करो, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते ही वो बच्चे वैसे कम कर देंगे आगे से। अभी भी बच्चों उनसे बोलो ना, लोग यही कहते हैं कि यार एक बच्चे को तो मुश्किल से पढ़ा पा रहे, यही प्रॉब्लम है ना। जैसे MBA कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ लाखों करोड़ों में फीस है, मेडिकल कॉलेज तो सब प्राइवेट में 1-1 करोड़, 70-80 लाख, इसलिए तो यूक्रेन में करने गए थे सब, यूक्रेन में इंडिया थे सब MBBS वाले थे। हाँ 30-40 लाख में हो जाती है ना, तो वही वाला है। ठीक है, इसका मतलब जेसेम बना। इसके बाद आगे चल के अब जैसे डेवलप हो गए लिविंग स्टैंडर्ड तो फिर बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों को लगा कि लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, अपन सब बच्चों को वो दे नहीं सकते, तो बर्थ रेट भी कम हो जाएगी और वो उतनी कम हो जाएगी जितनी क्या है डेथ रेट। डेथ रेट अपन कम कर देते, जैसे इंडिया में डेथ रेट बहुत कम है, आदमी को आसानी से जाने नहीं देते, ऑक्सीजन लगा के सब करके रोक लेते, हर चीज के एंटीबायोटिक आ गए, हॉस्पिटल्स अच्छे आ गए, एम्बुलेंस है, अगर आप घायल भी हो गए ब्लड बैंक बहुत बन गए, पहले ब्लड नहीं मिला आदमी मर गया, पहले मलेरिया से मर गया, टीबी से मर गया, हैजा से गांव के गांव साफ हो जाते थे, प्लेग प्लेग ऐसी थी कि प्लेग आया पूरा गांव साफ। पहले बहुत सारी चीजें थी, अंधविश्वास था, एक पहला बच्चा गंगा में फेंकना पड़ता था, पहले नियम था अंग्रेजों के आने के पहले पहला बच्चा गंगा को देना पड़ता था, अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था, हाँ पहला बच्चा आपको गंगा में देना पड़ेगा नहीं तो आपके बाकी बच्चे नहीं होंगे, पता चला बाद में किसी के बच्चे ही ना हो। चलो तो अब जे शेप से बन गया एस, तो पहले कैसा आकृति का था जे, जे मतलब विकासशील है, डेवलपिंग है, और एस का मतलब है डेवलप्ड हो चुका। अब क्या होगा आगे चल गए ये और नीचे आएगा, अब बर्थ रेट कम हो जाएगी, अब बच्चे नहीं होंगे, और मरना तो है ही है, बच्चे पैदा नहीं करो, तो जापान वगैरह में क्या हो गया है एस शेप और कर्व्ड होने लगा। तो ये पॉपुलेशन का ग्राफ है और दुनिया का हर देश इस ग्राफ से निकला होगा, यूरोप भी जे से ही आया होगा। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था तो वहां बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे क्योंकि इंडस्ट्री के लिए मजदूर चाहिए, तो जब 1800 के आसपास वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तो वहां मोटिवेट कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा मजदूर, ज्यादा मजदूर मतलब ज्यादा काम, ज्यादा तरक्की। तो पहले भी वो जे के शेप में चलते थे, पर वो एस में आ गए, हम जे से निकले हैं एस में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि 2011 क्योंकि देखो कैसे कह सकते हैं ऐसा हुआ होगा। ये ग्राफ समझ में आ गया कि नहीं, बहुत समझदार हो। चलो क्या होता है ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने 2001 और 2011 का देखा, इसको कंपैरिजन किया 1991 और 2001 के बीच में, ये 10 साल का गैप, ये 10 साल का गैप। मुझे बताओ 1991 में ज्यादा पॉपुलेशन होगी कि 2001 में? अरे हर बार जनसंख्या बढ़ती है ना, भारत में कब तो होती नहीं है, इसका मतलब है 1991 में लोग ज्यादा कम थे और इसमें लोग ज्यादा थे, पर इन लोगों ने जितने भी 2001 में इंडिया में प्रेजेंट थे इन लोगों ने 10 साल में कम बच्चे पैदा किए, ज्यादा लोगों ने कम बच्चे पैदा किए और इन लोगों ने ज्यादा, मतलब अगर यहाँ 12 करोड़ लोग ऐड हुए होंगे तो यहाँ 10 ही करोड़ हुए, और ऐसा पहली बार हुआ 1921 के बाद, 1921 के बाद ऐसा पहली बार हुआ इंडिया में कि 10 साल में बढ़ने वाली संख्या, जनसंख्या बढ़ी पर जो 15-20 बढ़ती थी, जैसे पहले बड़ी 12, फिर अगली बार बड़ी 15, फिर अगली बार 20, अभी 18 हुई, अब ये कम होती चली जाएगी। अब तुम अगला जो देखना 2021 वाले सेंसस, पिछले से भी कम आया होगा, इसका मतलब एस वाले फेज में एस कब आएगा, जब स्टेबल होगा,
ना बढ़ेगी ना, तो अभी एस तो नहीं आएगा, पर हम धीरे 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 आ जाएंगे, 2050-60 के आसपास आ जाएगा, हो सकता है जल्दी आ जाए, मुझे लगता है कि 2050 तक आ जाना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। चलो किसमें बुक क्लब्स, हाँ वो नेगेटिव आ जाता है जे, पर एस और ये ऐसी है, ऐसी कर वो तो नहीं, नाम नहीं है। चलो तो ये हमने देख लिया पॉपुलेशन, तो हमने स्पीसीज देख ली, स्पीसीज के हर टाइप की स्पीसीज टाइप देख लिया, पॉपुलेशन देख लिया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ये धरती कितनी पॉपुलेशन कैरी कर सकती है, उसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। हर एक जगह की कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे ग्वालियर की कैरिंग कैपेसिटी है, इतने लोगों को वो फूड और वाटर और एयर प्रोवाइड करा सकती है, तो ग्वालियर की कैरिंग कैपेसिटी होगी, तो भाई घर की भी होगी, पापा भी कह देंगे भैया अब नहीं चला पा रहे खर्चा, अब अपना अपना देखो, तो कैरिंग कैपेसिटी। ऐसी धरती की भी कैरिंग कैपेसिटी होगी, वो 6 बिलियन 7 बिलियन कितने बिलियन पीपल को वो खाना दे सकती है, कितने लोगों को पानी दे सकती है, है ना, क्योंकि जितनी आप, क्योंकि धरती की सॉयल है, जैसे आप खेती करते हो तो आप मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसको यूज कर लिया, अब धरती उसको रिसाइकिल कर लेती है, अगले साल फिर आप खेती कर लेते हो, पर इससे उसकी लिमिट होगी ना, तो धरती की भी क्या होती है कैरिंग कैपेसिटी। तो वहन क्षमता समझ में आ गए, ये किसी देश की भी हो सकती है, किसी एक जगह की भी हो सकती है, और पूरे अर्थ की भी हो सकती है, ठीक है। चलो अगला है बायोटेक पोटेंशियल, जैविक क्षमता, एक मेंबर को केवल खाना पीना और बच्चे पैदा करने को बोला जाए, जैसे रानी मधुमक्खी याद है क्वीन, तो वो अपने जीवन में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, उसे बोलते हैं बायोटेक पोटेंशियल। नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि 9 महीने की प्रेगनेंसी है, तो 9 महीने तक तो और बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप, अगर कोई लड़की 15 साल की एज में प्यूबर्टी में आती है, वो 45-46 तक मेनोपॉज आ जाता है, बंद हो जाता है, तो 30 साल में अगर 9 महीने का भी एवरेज बनाओ तो 40-45 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मुमताज भी 14 में डेथ हो गई थी, उसने भी बोला था बायोटेक पोटेंशियल नहीं दे सकते। तो बायोटेक पोटेंशियल का मतलब है जब किसी स्पीसीज के, स्पीसीज को ऑप्टिमम कंडीशन दे, ऑप्टिमम मतलब जितना खाना चाहिए, कोई स्ट्रगल नहीं चाहिए, है ना, कोई साइक मतलब कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई डिसीज नहीं चाहिए ना, सब बोले हमें इतना ये चाहिए, सुबह उठ के ये चाहिए, शाम में चाहिए, पूरा देते जाओ, इसके बाद बोलो कि आप बताओ कितने बच्चे पैदा कर सकते हो, उसे बोलते हो उस स्पीसीज का बायोटेक पोटेंशियल, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी, अर्थ कितनी पॉपुलेशन कैरी कर सकती है, बायोटेक पोटेंशियल है कि कोई जीव है वो कितने बच्चे पैदा कर सकता है ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब जो उसे चाहिए वो सब प्रोवाइड करा दो, हाँ बस, संतान उत्पन्न करने की क्षमता, अनुकूलतम स्थितियों, हाँ वो भी जब उसे जो जो चाहिए, जैसे क्या होता है मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, बीमारी भी नहीं होना चाहिए, खाना बिल्कुल टाइम पे मिलना चाहिए, जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए, इसके बाद देख लो तथा कितनी है। चलो तो ये दोनों चीज समझ में आ गए। अब आते हैं कम्युनिटी, तो हमने स्पीसीज समझ लिया, पॉपुलेशन समझ लिया, तो इतनी इतनी चीजें आती हैं, अब कम्युनिटी देखते हैं। अब कम्युनिटी में एक चीज होती है सक्सेशन, अनुक्रमण, समझ में आ रही क्लास की नहीं आ रही है? चलो अब देखो सक्सेशन देख लो, किसी भी एक जगह पर जितने स्पीसीज रहते हैं उनको क्या कहते हैं कम्युनिटी, पर वो कम्युनिटी कभी स्थायी नहीं रहते। आज से तुम 5-10 हजार साल पहले देखोगे तो तुम ग्वालियर में वो कम्युनिटी नहीं मिलेगी, उसके और 5-10 हजार साल पहले देखो तो और नहीं मिलेगी। तो पहले क्या बोलते थे, भीमबेटका में पाषाण काल टाइप के लोग रहते थे, आगे चल के उसमें हड़प्पा के लोग रहने लगे, फिर वैदिक वाले रहने लगे, फिर महाजनपद वाले रहने लगे, फिर मौर्यन आ गए, मतलब कम्युनिटी चेंज होती, मतलब बहुत अच्छी है, फिर भी इंसान है, पहले डायनासोर भी रहते थे, पहले टाइगर भी बहुत रहते थे, इसका मतलब किसी एक जगह पर कम्युनिटी फिक्स नहीं है, वो कम्युनिटी बदलती है, कोई नई कम्युनिटी आके पुरानी कम्युनिटी को रिप्लेस करती है, उसी रिप्लेसमेंट को कहते हैं सक्सेशन, अनुक्रमण। तो कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा फीचर होता है सक्सेशन, सक्सेशन वर्ड समझ गए, हाँ सक्सेसर आ जाते हैं ना उनके जो सक्सेसर रहते हैं उत्तराधिकारी। तो किसी एक कम्युनिटी का मतलब बताया जाता था जो मोगली वाला सीन दिखाया था ना किसी एक जगह पे, तो कम्युनिटी का मतलब किसी एक जगह पर जितनी स्पीसीज रहती हैं उनको आपस में क्या कहते हैं कम्युनिटी। जैसे हम और गाय एक ही कम्युनिटी के मेंबर, हम लोग यही रहते हैं, कम्युनिटी में गुण होता है वो फिक्स नहीं है,
आप जो आज कम्युनिटी देख रहे हो ग्वालियर में, आज से 5-10 हजार साल बाद हो सकता है कम्युनिटी चेंज हो जाए, तो उसको उसको क्या बोलते हैं, ये है जैसे ये मान लो जैसे चट्टान है, बेयर रॉक है, इस चट्टान में धीरे धीरे घास फूस उग रही है और फिर पेड़ उगने लगे, तो कम्युनिटी चेंज हो रही ना, पहले वहां घास थी, फिर झाड़ियां हो गई, फिर पेड़ होने लगे, इसी को इसी ऑर्डर को क्या बोलते हैं, सक्सेशन। अब ये दो सक्सेशन, सक्सेशन में जो सबसे पहले आती है उसे बोलते हैं पायनियर। पायनियर का मतलब होता है शुरुआत करने वाला। तो इस जो सक्सेशन है, यहां सबसे पहले लाइकेन उगेगा, यहां पर ये उग रही है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है ये पायनियर स्पीसीज होगी लाइकेन, अभी देखेंगे। और जहां जाके ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है उसे बोलते हैं क्लाइमैक्स। लास्ट में किसी मूवी में जो सबसे लास्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स। इसका मतलब है कि कहीं भी पहले लाइफ नहीं होती, धीरे धीरे वहां एक कम्युनिटी बनती है, पर उस कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया जाता, फिर दूसरी कम्युनिटी, फिर उसको रिप्लेस, और लास्ट में एक ऐसी कम्युनिटी आ जाती है जो लंबे समय तक रहती है या वही उसका एंड होता। अब वो कम्युनिटी नहीं जाएगी, अगर होगा तो पूरा तुम पेड़ काट दो, आग लगा दो, तो ही वो जा सकता है। तो जो शुरुआत करता होगा उसे कहते हैं पायनियर, और जो खत्म करता है उसे क्या बोलते हैं, तो ये भी स्पीसीज बोल दो। आपसे अगर हो सकता है एग्जाम में पूछ लेंगे पायनियर स्पीसीज क्या है, तो किसी कम्युनिटी में सक्सेशन के दौरान जो पहली आती है, तो पहले यहां लाइफ नहीं थी, पर जब लाइफ आई तो देखो सबसे पहले कौन आ गया, जो आ गया वही पायनियर है। समझ में आ गया सबको, पायनियर सक्सेशन समझ में आ गया। अब सक्सेशन दो टाइप, पायनियर शुरुआत करने वाला, सबसे लास्ट में जो क्लाइमेक्स होता उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। ये ध्यान रखना, जो सबसे बाद में आता है क्लाइमेक्स उसी के आधार पर पूरा नाम रखते हो, जैसे बांस के बन तो बांस उसमें क्लाइमेक्स होगा, है ना, बेम्बू उसमें क्लाइमेक्स होगा सबसे लास्ट में। हाँ पूछो, नहीं रहता, पर वो डोमिनेंट टाइप का रहता, वो सबसे ज्यादा रहता है, और ट्रीज ही रहते, जो पेड़ है ना वो किसी भी जगह का क्लाइमेक्स होता। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान को भी अगर डेवलप करते जाओ करते तो क्या हो जाएगा, फिर खेती होगी, झाड़ फूड़ होने लगेंगे, छोटे छोटे पेड़ होने लगेंगे, और बाद में पेड़ हो जाए, डेंस फॉरेस्ट। तो जो डेंस फॉरेस्ट है ना, जंगल, वो सबका क्लाइमेक्स ही होता है, कहीं कभी अगर वो डेवलप होता जाएगा तो जंगल ही होगा। किसमें एनिमल्स, तो बहुत बाद में आते हैं, प्लांट्स ही क्लाइमेक्स होगा और प्लांट्स ही पायनियर होंगे, कि जब तक प्लांट्स ही नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, खाना नहीं मिलेगा, तो हम तो आ ही नहीं सकते। अब देखो, अब सक्सेशन दो टाइप का होता है, अनुक्रमण दो टाइप का होता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कोई लाइफ नहीं थी, अब यहाँ जो सक्सेशन शुरू होगा, यहाँ पर जो धीरे धीरे शुरू होगा वो प्राइमरी होगा। तो जहाँ पर लाइफ ना हो और वहाँ धीरे धीरे लाइफ उगना शुरू हो, एक कम्युनिटी आए पे दूसरी कम्युनिटी आए, उसे बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। पर अगर पहले से लाइफ हो, ये जंगल है, आग लग गई, सब खत्म हो गया, अब फिर से लाइफ शुरू हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी के मतलब समझ में आ गया, जहां लाइफ पहले से नहीं थी और अब कम्युनिटी आना शुरू हो गई, तो उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और पहले लाइफ थी, बाढ़ आग लग गई, सूखा पड़ गया, जंगलों की कटाई हो गई, और वो पूरा वहां सब खत्म हो गया। इसके बाद अगर वहां पर फिर से लाइफ आती है, री लाइफ, तो वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी। तो सक्सेशन कितने टाइप के हो गए, दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। आगे समझ में, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे जैसे किसी जगह पर एक कम्युनिटी का रिप्लेस होना या कम्युनिटी का प्रोग्रेसिवली डेवलप होते जाना क्या कहलाता, वो फिनोमेनन को क्या कहते हैं। कई सारे ऑप्शन दे रखेंगे, तो जिन्हें पढ़ा होगा उनके लिए बहुत आसान है, तो सक्सेशन है, पर जिन्हें नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बहुत कठिन है। तो इकोसिस्टम क्या है, ऐसी चीज है, तो जब मैं यहाँ नीट करने आया था तो ग्वालियर में कोई इकोसिस्टम पढ़ाता नहीं था, ये बोलते थे ये रटने वाली चीज, इसमें समझोगे क्या, मतलब ये कभी नहीं पढ़ाया जाता था ग्वालियर में, और ग्वालियर कोटा से पीछे होने का यही रीजन था, कोटा में ये सब चीजें समझाई जाती थी, मतलब ये हम लोगों को इसलिए अच्छे से आता कि हम लोगों ने नीट में ये टॉपिक रहता और ग्वालियर में नहीं। तो अभी भी कई लोगों को ये लगता है एनवायरमेंट में क्या करना, ये तो सब रटने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा पोर्शन है समझने वाला। अब देखो, अब सक्सेशन देखते हैं, अब क्या होता है, सक्सेशन जब भी होता है उसमें सीरी वर्ड लगता है, है ना, सीरी वर्ड या सीयर वर्ड लगता है। जैसे अगर पानी में कर रहे हो तो इसे बोलते हैं हाइड्रोसियर। सीयर का मतलब होता है वो ग्रेजुअल स्टेजेस, ये एक एक करके जो स्टेज है, इस स्टेज से अगली स्टेज, इससे अगली स्टेज, इनको बोलते हैं सीयर। अगर तुम पानी में देख रहे हो तो हाइड्रोसियर,
तो कहीं भी तुम अगर सीयर वर्ड मिले तो समझ जाना ये सक्सेशन बता रहे हैं। अब देखो तुम पानी में क्या हुआ, पानी में सबसे पहले फाइटोप्लैंकटन होंगे, पादप प्लवक मतलब ऐसे छोटे छोटे जीव होंगे, मतलब प्लांट्स होंगे जिन पे दूसरे जीव रहते होंगे, फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन के बाद कुछ ऐसे पेड़ आएंगे जो तैरेंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, उन्हें बोलेंगे फ्लोटिंग, तैरते हुए पेड़, मतलब नीचे जड़वड़ नहीं होगी, ध्यान रखना। तो पहले कौन सा आएगा, फाइटोप्लैंकटन। तो किसी भी कम्युनिटी में अगर वो पानी है तो वहां पायनियर स्पीसीज हमेशा यही होगी, पहली स्पीसीज जो आती है उसको क्या बोलते हैं, तो पादप प्लवक फाइटोप्लैंकटन होगी पायनियर स्पीसीज। इसके बाद ये डेवलप किसमें होगा, फ्लोटिंग प्लांट्स, तैरते हुए पौधे। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद होगा रूटेड, मतलब जड़ में है, रूटेड प्लांट्स, रूटेड होंगे पानी के नीचे होंगे, फिर रूटेड होंगे पर पत्तियां ऊपर आ गई, देख रहा। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, फाइटोप्लैंकटन, फिर तैरता हुआ, पर रूटेड सबमर्ज, मतलब जड़ भी होगी पूरा डूबा है, पर रूटेड है पर पत्तियां ऊपर आ गई, फिर धीरे धीरे जड़ नीचे है पर तना भी आने लगा। अब देखो ये स्टेम, देखो ये भी ऊपर आने लगा। तो अब पेड़ कैसा हो गया, पहले पेड़ था कि जड़ और तना दोनों पानी में होगा और पत्ती भी पानी में होगी, फिर जड़ तना पानी में पत्ती ऊपर आ गई, कमल का फूल देखा होगा पत्ता ऊपर रहता है, देखा होगा कि नहीं। इसके बाद ऐसा आ गया जिसमें जड़ तो नीचे रहेगी पर तना कहाँ हो गया, मतलब जड़ नीचे रहेगी पर पेड़ ऊपर उगने लगा। और फिर अब आ गया दलदल में, अब ऐसी जगह पे है जहां पानी कम है, पहले पानी में था अब कहां गया, दलदल में, अब आ गया धीरे धीरे जमीन में और फिर बन गया फॉरेस्ट। तो ये क्या आ गया, क्लाइमेक्स में। तो देखो पानी से शुरू हुआ फिर भी वही फॉरेस्ट पे आगे खत्म होगा, तो पाइनियर होगा फाइटोप्लैंकटन और फॉरेस्ट होगा क्लाइमेक्स, और इसको बोलते हैं हाइड्रोसियर। सियर का मतलब है वो ग्रेजुअल स्टेजेस, वो क्रमिक अवस्थाएं जो पाइनियर से लेकर क्लाइमेक्स तक मिलती है। तो हिंदी में भी पाइनियर बोलते हैं और क्लाइमेक्स ही बोलते हैं, हिंदी में कोई अलग से वर्ड नहीं है। हाइड्रोसियर समझ में आ गया, हाइड्रो मतलब पानी, सियर मतलब वो स्टेजेस। अब ये देखो ये कहलाता है लिथोसियर, लिथो मतलब होती है चट्टान, लिथोस्फीयर से समझ में आता, तो लिथोसियर का मतलब होता है चट्टान में सक्सेशन। तो सबसे पहले चट्टान में आएगी लाइकेन, लाइकेन के बाद आएगा मोस, मोस आपको मिलेगा ब्रायोटेरिडोफाइटा, नाम सुना है उसमें, तो पहले मिलेगा लाइकेन फिर मिलेगा मोस, मोस के बाद मिलेंगी आपको हर्ब्स झाड़ ये, फिर मिलेंगी श्रब्स, तो पहले मिलेगी घास फूस फिर मिलेगी झाड़ियाँ, उसको कहते हैं हर्ब्स, झाड़ियों को बोलते हैं श्रब्स, फिर मिलेगा एनुअल प्लांट, ऐसे पेड़ जो आते तो हैं पर एक साल में खत्म हो जाते, जैसे अब जो खेती करते हो ना उसे पेड़ देखो कितने उग जाते पर एक साल में खत्म हो जाते। फिर आएगा पेरिनियल बहुवर्षीय, तो पहले आएगा एनुअल प्लांट एक वर्षीय पौधा, फिर आएगा पेरिनियल प्लांट बहुवर्षीय, फिर डेंस फॉरेस्ट। तो लाइकेन आया, मोस आया, घास फूस आई, झाड़ी आई, एक वर्षीय पौधा आया, बहुवर्षीय पौधा आया और घने जंगल आ गए, मतलब लाइकेन, मोस, हर्ब्स, श्रब्स, एनुअल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स, डेंस फॉरेस्ट, इसे बोलते हैं लिथोसियर। तो सक्सेशन चट्टान में भी हो सकता है जिसे लिथोसियर बोलते हो, सक्सेशन पानी में भी हो सकता है हाइड्रोसियर हो सकता है। पानी में क्या था, फाइटोप्लैंकटन, तैरता हुआ पौधा, धसा हुआ डूबा हुआ पौधा, धसा हुआ पत्ते ऊपर, धसा हुआ जड़ पानी में तना ऊपर, दलदली पौधा, फिर वही एक वर्षीय बहुवर्षीय डेंस फॉरेस्ट। तो कम्युनिटी में सक्सेशन समझ में आ गया। चलो प्राइमरी और सेकेंडरी भी समझ में आ गया। हाँ बहुवर्षीय फल उसमें डेली आ रहा पर पेड़ वो हमेशा रहे, वो बहुवर्षीय होगा। चलो तो मेरे ख्याल से सक्सेशन समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है इकोसिस्टम, कम्युनिटी के जो मेंबर है आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। एनवायरमेंट और इकोसिस्टम अंतर क्या बताया, कम्युनिटी के चारों तरफ जो मिलेगा वो एनवायरमेंट है और कम्युनिटी का एनवायरमेंट से जो इंटरेक्शन होगा। अब इंटरेक्शन देखते हैं, चलो ये आपस में इंटरेक्शन देखते हैं क्या क्या है। एक इंटरेक्शन ऐसा होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है, इसे कहते हैं अन्योन क्रिया, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। जैसे कि सहजीवी, बायंट स्पीसीज, जैसे लाइकेन का नाम सुना है, लाइकेन में कौन कौन होता है,
एल्गी मतलब सैवाल और फंगाई कवक। तो सैवाल और कवक दोनों साथ में रहते हैं। कवक क्या है, रहने के लिए घर देता है, ये क्या देता है घर, और एल्गी बनाता है खाना। तो ये शेल्टर प्रोवाइड कराएगा और ये फूड प्रोवाइड करेगा। एल्गी कहेगा क्यों फुटपाथ में सो रहे हैं, तो मेरे यहाँ घर पे रहने आ जाओ, और एल्गी इसके लिए खाना बना देगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे, तो दोनों को आपस में फायदा। तो जो म्यूचुअलिज्म है, अन्योन क्रिया है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये भी एक तरह का इंटरेक्शन है। बहुत दूसरे में आएगा, एक में पॉजिटिव जीरो भी दिखे, एमएन स्लेज देखो सुनो। तो प्लस प्लस समझ में आ गया फायदा। और देखो और एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम में क्या होता है, जो दलहनी पौधे रहते हैं, लेग्यूम रहते हैं, उनकी जड़ों में बैक्टीरिया रहने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पौधा कभी भी नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकता, वो O2 CO2 ले सकता, नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है ना, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और जैसे वो नाइट्रेट में बदल जाता है तो पौधे उसको ले लेता है। तो पौधे को चाहिए नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि DNA नाइट्रोजन से बनता है, RNA नाइट्रोजन से बनता है, अमाइनो एसिड नाइट्रोजन से बनता है, प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है। तो जब बन नहीं सब नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन तो चाहिए, पर पौधे नाइट्रोजन गैस ले नहीं पाते। सबसे ज्यादा गैस कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन, 78% गैस कौन सी है, और नाइट्रोजन तुम ले नहीं सकते। इसका मतलब अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलेगा नहीं, और नाइट्रेट बदलेगा नहीं तो पेड़ को कभी नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, तो वो बनेगा कीट भक्षी पौधा, नर भक्षी पौधा, इंसेक्टिवोरस। अब वो लोगों को खाना शुरू करेगा और हमारी प्रोटीन लेके उससे नाइट्रोजन ले लेगा, समझा। वही पौधा तो मांसाहारी बन जाता ना, चोरी कोई ऐसे नहीं करता, पापी पेट कराता सब है ना, तो वो क्रिमिनल बना है पापी पेट के लिए, कि उसे अब नाइट्रोजन नहीं मिला। इसलिए दलहनी पौधों की जड़ों में क्या है, बैक्टीरिया, नाइट्रेट, इसलिए वो प्रोटीन बहुत बनाते हैं, है ना, क्योंकि उस नाइट्रोजन लिया उससे क्या बनेगा, प्रोटीन, नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल से बनेगा प्रोटीन। अब उसमें फायदा क्या है, बैक्टीरिया को खाना मिल जाता है, वो पौधे खाना बनाते हैं, बैक्टीरिया उसको खाते हैं, और पौधे को क्या फायदा है, नाइट्रोजन मिल गया। तो बैक्टीरिया होने से पौधे को नाइट्रोजन मिल गया, उस नाइट्रोजन से जो खाना बनाया उसका थोड़ा सा हिस्सा बैक्टीरिया ने ले लिया, तो फायदा दोनों को हो गया कि नहीं। तो जो राइजोबियम है इसमें दाल और जो बैक्टीरिया रहते हैं इनकी जड़ों में, ये देखो दिख रहा है, ये जड़ है, इसमें एक गठान है, लेग्यूम्स बन गए, इनमें रहते हैं वो बैक्टीरियाज इनमें। तो ये भी प्लस प्लस सहजीविता का, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। तो लाइकेन भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद कोरल्स, प्रवाल, कोरल्स में भी डायनोफ्लेजिलेट्स एक जानवर है, सीलेंटेटा है, ठीक है। इसके साथ कोरल में सीलेंटेटा के साथ एल्गी रहने लगते हैं ना, तो इसमें एल्गी, उसमें मतलब कोरल और एल्गी रहने लगते हैं, कोरल इनको घर देता है। कोरल देख लो, रियल में कोरल ये है, ये जो विधवा जैसा लग रहा है, हाँ ये कोरल है, ठीक है, ये रहने के लिए घर देता है। किसको घर देता है, एल्गी को, वो एल्गी आके रहने लगाते, कलरफुल दिखता है। तो कोरल कलरफुल नहीं होता, एल्गी होती है, पर दोनों साथ में रहते हो पता नहीं चलता। कोरल देगा शेल्टर, आवास, आश्रय, और एल्गी बनाएगी खाना, दोनों एक दूसरे काम चलाएंगे, ठीक है। चलो तो ये कोरल रीफ भी किस में आ जाएगा आपका, म्यूचुअलिज्म में, प्लस प्लस का। तो मेरे ख्याल से प्लस प्लस वाले समझ में आ गए। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे गाय और बगुला। गाय में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके, गाय में पक्षी बैठे रहते हैं, देखा होगा गाय भैंस में हमेशा पक्षी जरूर बैठे होते हैं, और गाय उनको नहीं भगाती, भैंस उनको नहीं भगाती, क्योंकि तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको वो पक्षी खाता, तो खाना मिल गया और भैंस को फायदा होगा, कीड़ों से मुक्ति मिल गई। ये भी म्यूचुअलिज्म में, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, आगे समझ में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब दूसरा रिलेशन हो सकता है, प्रवाल तो देख लिया, वापस आ गया, हाँ दूसरा रिलेशन हो सकता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब है एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई नुकसान फायदा नहीं है, उसे बोलते हैं सहभोजिता। इससे पहले क्या पढ़ा था, सहजीविता, म्यूचुअलिज्म, ये कमेंसलिज्म है। एक को तो फायदा है पर दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पायलट फिश, पायलट फिश का मतलब क्या होता है, बड़ी सी, जैसे शार्क है, शार्क ने एक बड़ी सी मछली वछली या कुछ भी खा लिया, अब उसके दांतों में जो मांस के टुकड़े रह गए, तो वहां पर एक दूसरी मछली है वो खाती रहती उसको, समझ में आ गया। कभी देखा होगा मगरमच्छ ऐसे मुंह खोले डाला है,
और एक पक्षी बैठा रहता है और मगरमच्छ उसको खाता नहीं, क्यों? मगरमच्छ में जो मांस मांस रहता है उसको पक्षी ले लेता है, तो उसमें मगरमच्छ को कोई फर्क नहीं पड़ता, सार को कोई मतलब नहीं है, कुल्ला कर लेगी बाद में, है ना। लेकिन पायलट फिश के लिए तो वो खाना हो गया कि नहीं। ऐसी एपीफाइट्स होते हैं, क्या होता है, जहाँ बहुत घने जंगल होते हैं ना, वहाँ सूरज की रोशनी नीचे, वहाँ 2400 घंटे अंधेरा है। अब बेचारे जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है उन्हें तो सनलाइट मिल रही, पर जो आज पैदा हुआ वहाँ नीचे तक सनलाइट मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, सहारा लेगा इनका और ऊपर उगना शुरू कर देगा। तो ये एपीफाइट है, इसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये यहाँ सनलाइट लेने आया, ये इससे ना पानी लेगा ना खाने लेगा कुछ नहीं लेगा, सब अपना व्यवस्था कर लेगा। तो अधिपादप या एपीफाइट्स ये कमेन सेलिजमेंट में आता है, जहां इसको फायदा है और इसको कोई नुकसान नहीं। किसमें? हाँ, दीवार से क्या, जिंदा है ना दीवार, जिंदा थोड़ी है। हाँ, अगर उससे एक होता है पैरासाइट, अभी एक पेड़ पढ़ोगे ना अमरबेल सुना है, वो अलग चीज है, वो तो एक को फायदा दूसरे को नुकसान है। लेकिन जो कमेन सेलेज में ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में पिछले साल ही आया था, ये पूछा था कि अधिपादप या एपीफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं। आंसर है डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल होगा तभी नीचे अंधेरा होगा, और जब नीचे अंधेरा होगा तभी पेड़ रोशनी लेने ऊपर तक आएगा। ठीक है, तो एपीफाइट्स किस में आ जाएगा, कमेन सेलेज में। ठीक है, इसके बाद लताएं, क्लिम्बर्स का देखा होगा, लताएं वगैरह जो केवल सहारा के लिए उठती है, है ना, केवल, क्योंकि वो उनमें तना नहीं होता, जैसे पेड़ सीधे क्यों खड़ा रहता है, उनमें क्या रहता है, तना। पर जिनमें स्टेम नहीं होगा, जैसे मनी प्लांट, जैसे काली मिर्च, काली मिर्च हाँ, जैसे पान, तो ये ने सपोर्ट चाहिए होता, तो दूसरे कोई दिक्कत नहीं, बोले लो चिपक जाओ, सो ऐसे चिपक जाते हैं। हाँ वही है, तो जो जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं, चढ़ने वाले होते हैं, ये भी कमेन सेलेज में सहभोजी, जहाँ ये किसी पेड़ का सपोर्ट ले लेते हैं, तो उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कमेन सेलेज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव समझ में आ गया, पॉजिटिव जीरो समझ में आ गया, एपीफाइट बताई दिया है। अगला है माइनस वाला, माइनस एक को पॉजिटिव, देखो हमने पहला कौन सा पढ़ा, प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब दोनों को फायदा, जैसे राइजोबियम, फिर हमने पढ़ा प्लस जीरो, एक को फायदा, इसको बोलते हैं सहजीविता, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायंट, सिम्बायंट बोलते हैं, सिम्बायंट रिलेशन, और इसको क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, इसका मतलब है सहभोजिता। अब हमें पढ़ना है प्लस माइनस, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, जैसे कि शिकार, हिरन ने हिरन को शेर ने खा लिया, फायदा किसका, नुकसान किसका, दिख रहा ना साफ साफ। तो ये किस में आ जाएगा, प्लस माइनस में। इसके अलावा पैरासाइट्स, पैरासाइट भी प्लस माइनस में आता, शिकार भी, प्रेडेशन भी, और पैरासाइट्स भी। पैरासाइट में क्या होता है, जैसे पेड़ है, पेड़ में कसकटा को देखा होगा, उसी से पूरा भोजन, उसी से पानी सब लेते रहते हैं, तो पेड़ सूख जाता है, क्योंकि एक को फायदा दूसरे को नुकसान है। किसमें, नहीं शादी तो प्लस प्लस है, अगर बन रही है, नहीं बन रही है तो माइनस माइनस। हाँ, ना तुम जी पा रहे हैं ना हम जी पा रहे हैं ना भैया। चलो, तो जैसे अब देखो, पैरासाइट, जो अमर बेल का नाम सुना होगा, कसकटा, ये स्टेम पैरासाइट है, ध्यान रखना, और जो एक रेप्लीसिया है, ये रूट पैरासाइट, दिखा रहे, ये कसकटा है, ये पौधों के तने में रहता है, जो भी ट्री में रहेगा उसके तने से पूरा सपोर्ट, खाना पीना सब लेगा, ये रेप्लीसिया है, ये दूसरे पेड़ की जड़ से लेता रहता है, ये क्या करेगा, कनेक्शन दूसरी की जड़ से फिट कर लेगा, और दूसरी की जड़ें पानी मिनरल्स ये लेता रहेगा, ये साइड से एक ले रखा है और पीता रहता है। तो रेप्लीसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, ध्यान है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, इतना बड़ा कि इसे पॉलिनेशन के लिए हाथी चाहिए, जैसे बाकी में तो भंवरे, तितली, ये पोलन ग्रेन लेके दूसरे पेड़ तक पहुंचा सकते हैं, इसके पोलन इतने बड़े रहते, तितली उठाई नहीं पा रही, भंवरे उठा नहीं पा रहे, तो हाथी जाता है, इसमें क्या बदबू बहुत आती है, तो हाथी पकड़ा जाता है, बोले डीओ किसने लगाया है, और इस रेप्लीसिया को कुचल देता है, बोले यहाँ से आ रही हो, कुचल देता, अब उसके पैरों में लग जाते हैं पोलन ग्रेन, तो बोले यहाँ भी बदबू आ रही है, और उसको भी कुचल देता, तो यहाँ के पोलन ग्रेन वहाँ वहाँ ऐसे करके रेप्लीसिया, तो बहुत अच्छे, अब ऐसे हमारा काम चलेगा, है ना। तो ये जो पैरासाइट्स है, चाहे अमर बेल हो, चाहे ये ध्यान रखना, जो अमर बेल है और रेप्लीसिया, ये कंप्लीट पैरासाइट है,
पार्सियल भी आता है। चंदन का नाम सुना है, उसको बोलते रेड रेड सैंडल, वो भी पैरासाइट है, वो पार्सियल है, ध्यान रखना। जो चंदन है वो पार्सियल पैरासाइट है, ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए कंप्लीट पैरासाइट है, मतलब पूरी तरह से डिपेंड है। और पार्सियल का मतलब है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। उसी पे चंदन जैसे किसी पेड़ से है ना, जैसे किसी चंदन का पेड़ किसी से लिपटा हुआ है, पूरा नहीं लेगा, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन खुद भी बना लेता, थोड़ा उससे ले लेगा। तो कसकटा या अमरबेल कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पूर्ण स्तंभ परजीवी, और ये पूर्ण जड़ परजीवी, कंप्लीट रूट पैरासाइट। ठीक, कल इसके आगे और कंटिन्यू कर देंगे ना।